हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। फिटकरी या एलम एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है। पुरुष इसे शेव करने के बाद एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो महिलाएं इसे अपनी स्किन को सुंदर बनाने के लिए। फिटकरी में कई सारे गुण होते हैं जो हमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लाभ देते हैं। तो चलिए जानते हैं फिटकरी हमें किस तरह फायदा पहुंचाती है। सर्दियों में पानी में ज्यादा काम करने से हाथों की उंगलियों में सूजन और खुजली हो जाती है। इस दर्द भरी समस्या से बचने के लिए थोड़े पानी में फिटकरी को डालकर उबाल लें और पानी को ठंडा कर थोड़ी देर तक इसमें अपनी उंगलियां डुबाए रखें। ऐसा करने पर उंगलियों की सूजन और खुजली में काफी आराम मिलता है। यदि चोट या खरोच से घाव हो गया हो और उससे खून बह रहा हो तो इस घाव को फिटकरी के पानी से धोए। इसके अलावा आप उस घाव पर फिटकरी का पाउडर बनाकर छिड़क दें। ऐसा करने पर घाव से खून बहना बंद हो जाता है। टॉन्सिल्स की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर नमक और फिटकरी मिलाकर गरारे करें। इससे गले के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए चेहरे को धो लें। अब फिटकरी को ठंडे पानी से गीला करके चेहरे पे हल्के हल्के रख दे। थोड़ी देर इसे ऐसे ही सूखने दे, फिर हल्के हल्के हाथों से इसे छुड़ाकर निकाल दे। कुछ महीनों तक इस प्रयोग को करने से आपका चेहरा चमकदार और आपकी त्वचा जवान बन जाएगी। रोजाना सुबह शाम फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करें। ऐसा नियमित रूप से करने पर आपके दांतों का कीड़ा निकल जाएगा और साथ ही मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा दांतों के दर्द से बचने के लिए फिटकरी और काली मिर्च को पीसकर दांतों की जड़ों में लगाएं। ऐसा करने पर दांत के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों को शरीर से ज्यादा पसीना आने की शिकायत हो, उन लोगों को नहाते समय पानी में फिटकरी घोलकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से पसीना आना कम हो जाता है। कीड़े मकोड़ों के काटने पर फिटकरी के टुकड़े को उस जगह पर रगड़े। ऐसा करने से काटने वाली जगह पर हुई सूजन, घाव और लालिमा दूर हो जाती है। अगर आपके सर में जुए पड़ गई हो और बहुत कोशिशों के बाद भी आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा हो, तो आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर इस पानी से अपने सर को रोजाना धोए। ऐसा करने पर जुए निकल जाएगी। आधा ग्राम पीसी हुई फिटकरी शहद के साथ मिलाकर चाटने से दमा की बीमारी में आराम मिलता है। 1 चम्मच पीसी हुई फिटकरी आधा कप गुलाब जल में मिलाकर सुबह शाम पीने से भी दमा की बीमारी ठीक हो जाती है। 1 ग्राम फिटकरी को 40 ml गुलाब जल में मिलाकर एक शीशी में भर दे। इसकी 2-2 बूंदे हर रोज आंखों में डाले। ऐसा करने पर आंखों का दर्द, कीचड़ और लालिमा दूर हो जाती है। इसी के साथ फिटकरी के फायदों पे बना हमारा स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू। अखरोट, जिसे हम वॉलनट भी कहते हैं, हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह हमारी फिटनेस को बरकरार रखता है और हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। तो चलिए जानते हैं इसके अनजाने गुणों के बारे में।